हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे, हमारे साथ सब्सक्राइब करें A to Z वेदी ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। इस भाग में प्रारंभ करते हैं, जब श्री रामचंद्र जी ने माता केकई से सब कुछ पूछ लिया और उन्हें सब कुछ पता चल गया तो वो बहुत खुश हुए। वो बोले कि अगर भरत को राज मिलता है और मुझे वनवास, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दशरथ जी मोह में बहुत ही अटूट घिरे हुए हैं और वो कहते हैं सुमंत से, तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मती राम ही देहूं, बचनू मौर तजी रहे घर, परि हरि सीलू स्नेह। अर्थात हे सुमंत, आप प्रेरक रूप में सब सबके हृदय में हैं, आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और सील स्नेह छोड़कर घर ही में रह जाएं। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में जा गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए ताकि वो घर रहे, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के चाहे दुसह दुख आप मुझसे सहन करा ले, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आंखों की ओर में न हूं। अस मन गुन राम नहीं बोला, पीपल पात सरिस मन डोला, रघुपति पितहि प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को फिर बहुत दुख हो जाएगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनित बिचारी, तात कहूं कछु करहुं ठिड़ाई, अनुचित जब जानि लगि काई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनित वचन कहे, हे तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ढिटाई करता हूँ, यह सोचता हूँ, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागे दुख पावा, कहूं न मोहि कहि पृथक जनामा, देखी गोसा इन्हीं पूछियो माता, सुनी प्रसंग भय सिंधन गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पा लिया है, मुझे किसी ने पहले कहकर ही क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं जनाया। स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा है, उनसे सारा प्रसंग मैंने सुन लिया है। अब श्री रामचंद्र जी दशरथ जी से बोल रहे हैं, मेरे सब अंग शीतल हो गए हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। मंगल समय सने बस सोच परी हरियता, कहीं कुल के प्रभु गाए। हे पिताजी, श्री रामचंद्र जी दशरथ जी से कहते हैं कि हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह वश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। धन्य जनम जगत की तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु,
चार पदार्थ कर तलता के प्रिय मातु प्राण सब जाके। उन्होंने फिर कहा इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसका जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करत लगत मुट्ठी में रहते हैं, हमेशा उसके बस में रहते हैं। आए सुपाली जन्म फल पाई ये बेगी हो रजाई, विदा मातु सन आवहु मांगी चलिया बनहिं बहु भगलागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए पिताजी, माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चला जाऊंगा। अस कहीं राम कवन तब की ना भूप शोक बस गुरु ने दीना, नगर व्यापी गई बात सुती छी छूत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल गई। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया, वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। सुनी भय निकल सकल नर नारी बेरी बिटब जीवी देखी देवारी, जो जह सुनई धुनई सिर सोई पड़ भी साधु नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे धवा नल वन में आग लगी हो, देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं, जो जहां सुनता है वहीं सिर पकड़कर धुनने पीटने लगता है, बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बन रहा है। मुख सुखाही लोचन सैवही सो पूर्ण हृदय समाई, मन करुण रस कट कही उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समा रहा है, मानो करुणा वश की करुणा रस की सेना अवध पर डंका डालकर बजाकर उतर आई। मिले ही मांज विधि बात बेकारी, चाहे तहे दे के कही कारी, एही पाप नहीं बुझी का परेऊ छाई भवन पर पावक धरेऊ। सब मेल मेल सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही दाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग के कई को गाली दे रहे हैं, इस पापनी को क्या सूझ पड़ा जो इसने छापे घर पर आग छाए घर पर आग लगा दी है। निज कर नयन काढ़ी चहती खा डारी सुधा चाहत चीखा, कुटिल कठोर को बुद्धि अभागी भई रघुवंश बेनू बन आगी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर आंखों के बिना ही देखना चाहती है क्या, और अमृत फेंक कर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी के कई रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। ऐसा सब नगरवासी आपस में बात कर कह रहे हैं, बोल रहे हैं। पालव बैठी पेड़ ही काटा सुख महु शोक ठाट उदर ठाटा, सदा राम में ही प्राण समाना कारण कवन कुटिल पन उठाना। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला है, सुख में शोक का ठार ठटा कर रख दिया है, श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे,
ये तो श्री रामचंद्र जी सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुकृता जताई है, ठानी है। सत्य कह ही कभी नारी सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराम, निज प्रतिबिंब बरकु कही जाई, जानी न जाई नारी कति भाई। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथा और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ी जाए, पर भाई स्त्रियों की गति चाल नहीं जानी जा सकती है। कहने पावा पुजारी सक कान समुद्र समाई, कान करे अबला प्रबल के ही जग काल में खाए। आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। यह सब नगरवासी आपस में बातें कर रहे हैं और बड़े परेशान धीर रखकर सहज में ही दुखों का अंबार जैसे टूट पड़ा हो। कहा सुनाई विधि कहा सुनावा, का देखई चह कहा दिखावा, एक कही भल भूप न कीना, बहु विचारी नहीं दीना। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुनाकर क्या सुन दिया है और क्या दिखा दिया है, अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक ही कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं किया था। जो हट भयम सकल दुख भाजन, अबला विवस ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म परनीति पहचाने, न कही दोष न देहि सयाने। जो हट करके केकई की बात को पूरा करने पर अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए हैं, स्त्री के विशेष बस होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। सिपी ददीचि हरि चंद कहानी, एक एक संत ही बखानी, एक भरत कर समंत कहें, एक उदास भाई सुन रहे। वे सभी सिपी ददीचि और हरि चंद की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। कान मूती कर रत गही जी हाँ, एक कही यह बात अली हाँ, सुकृत जाही अस कहत तुम्हारे, राम भरत कह प्राण से प्यारे। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, भरत जी को भी श्री राम जी प्राणों के समान प्यारे ही हैं। चंदु चवे परु अनल कन, सुधा हो विसितूर, सपने कमहु न करहि किछु, भरत राम प्रति। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वपन में भी कभी श्री राम जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे और ना कर सकते हैं। एक विधाता ही तू सुनु दे ही, सुना देखावि कर परु नगर सोचू सब काहू, दाहू मिटाऊ छाऊ।
कोई के विधाता को दोष देता है जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया है। नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया है, हृदय में दुसह जलन हो गई है, आनंद उत्साह सब कुछ मिट गया है। विप्र बधु कुल मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के कई केरी, लगी देन सिख सीलु सराही, बचन बना समी। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मन ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो के कई की परम प्रिय थी, वे उसके सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लग रहे थे। भरत ने मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूं यह सब जग जाना, करहूं नाम पर सहज सनेहूं, के ही अपराध आज बंदे। वे कहती हैं तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी तो पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्होंने उन्हें वन जाने के लिए बोल रही हो। कबहु न किया हूं सवती आरे सु, प्रीति प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या अब कहा बिगारा, तुम जे ही लागी ब्रजपुर पारा। तुमने कभी तेंदहा नहीं किया है, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है, अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया है जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया है। सिए की पिए संग परिहरहि, लखन की रहहि धाम, राजू की भुंजब भरत पुर, नृपुगी यही बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण रहेंगे, न भरत राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो गया है, सब उजाड़ हो जाएगा। अस बिचारी उर छाड़ को शोक कलंक कोठी जनी हो, भरत ही अवस देहु चुब राजू, कानन कहा राम कर काजू। नाही हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्यों भेज रही हो, क्यों जाने के लिए बोल रही हो? नाहिं राम राज के भूखे, धर्म धुरी दिसे रस रूखे, गुरु ग्रह बसहु राम तज के हूँ, नप सन अस बरु सर देहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से भूखे हुए हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति ही नहीं है, इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहने के लिए चले जाए। जो नहीं लागहुं कहे हमारे, जो नहीं लगियहुं कहे हमारे, नहीं लागहि कछु हाथ तुम्हारे,
जो परिहास की निकछु होई तो कहीं प्रकट जना वह सोई। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने ये दिल लगी की थी, मैंने ये मजाक किया था। राम सरिस सुत कानन जो कहा कहे ही सुनी तुम कह लोग, उठहुं बेगी सोई करहुं पाई जय विधि सोक कलप न साई। राम सरिका पुत्र क्या मन के योग है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहे, जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जे ही भांति शोक कलंक, जे ही भांति शोक कलंक, जाहिं उपाय करु कुल बालहि, हटि फेरो राम ही जात भंजन बात दूसरी चाल। जी भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तन चंद्र बिनु जिमि दामिनी, तिमि अवध तुलसी दास प्रभु बिनु समझ धो यह भामिनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारे कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वह जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात न चलाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव हो तसोवाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सीख सखी ने सिखावनु दीन सुनत, मधुर परिणाम हित, तेहि कछु कान न किन्ह कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो तुम सुनने तो जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सखियां पढ़ाई हुई के कई ने इस पर जरा भी कान नहीं देती है। पुत्रु न ते हिंदु सही दिस राखी, मृग ने चितव जनु भाकी भूकी, व्याधि असाधि जानी तिन्ह त्यागी, चल कहते मंद मंद अभागी। केकई कोई उत्तर नहीं देती है, वह दुसह क्रोध के मारे रूखी बेमुरवत हो रही है, ऐसे देखती है मानो भूखी बागिनी हरि हरिणियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया, सब उनको मंद बुद्धिया भागिनी कहती हुई वहां से चली गई, केकई को अकेला छोड़ के चली गई। राजु करत यह ते कोई कीने सियस जस करहिं कोई, एहि विधि बिलपहि पुर नर नारी, तेहि कुचालि गारी। राज करते हुए इसके कई के देव ने नष्ट कर दिया, इसने जैसा कुछ किया है वैसा कोई भी न करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाल की के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में लेकर आएंगे श्री राम जी वन जाने के लिए, वनवास जाने के लिए तैयार होकर आ जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।